बात है इनमें जो हमेशा हम सबको कनेक्टेड और फ्रेश रखती है और अपने घर की खूबसूरती बरकरार रखती है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रियस क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों, हमारे घर को आकर्षक बनाने में 50% भूमिका निभाते हैं ये ग्रीन प्लांट्स। अगर हम किसी भी कोने में एक छोटा सा भी ग्रीन प्लांट रखते हैं तो उसकी खूबसूरती दो गुना और बढ़ जाती है। लेकिन जब बात इसकी पॉट्स की आती है तो आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि हर दूसरे घर में आप कुछ सिमिलर सिरामिक पॉट्स देखोगे जो आज के डेट में बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बहुत ही सस्ते और बहुत ही जीरो बजट में अपने मन मुताबिक अपने पॉट्स को कस्टमाइज करके इंडोर ग्रीन्स की खूबसूरती और बढ़ा सकते हैं? तो आज जो मेरा वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे 9 फेमस पॉट पेंटिंग आइडियाज लेकर आई हूं जो आपके घर के कॉर्नर्स को काफी एक्सप्रेसिव, कलरफुल और वाइब्रेंट बना देगा। सारे मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊं इससे पहले दो बातें बताना जरूरी समझती हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पॉट सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा प्लांट किस पॉट में लगाना है। लाइक हियर आई हैव चोजन सम स्मॉल हांडीज, बाउल्स, धूपदानी टू प्लांट माई सर्कुलेंस। ये आपको इजिली 20-30 रुपीज में मिल जाएगा, बट मैंने लास्ट ईयर दिवाली में परचेज किया था, सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिसाइकिल इट एज अ प्लांटर पॉट। अगर आपके पास क्ले पॉट्स नहीं है तो आप इस तरीके के प्लास्टिक पॉट का भी यूज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज पेंट सेलेक्शन। तो बेसिकली मैं यहाँ दो तरीके का पेंट यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले आता है एक्रेलिक पेंट, जिसे यूजुअली मैं अपने सारे DIYs में यूज करती हूँ। नाउ दिस इज सिंथेटिक इनामल पेंट विच इज बेसिकली ऑयल पेंट, सो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई दिस पेंट इन एनी ऑफ योर प्लास्टिक, वुड और क्ले रिलेटेड सर्फेस। नाउ गाइज, लेट्स मूव ऑन टू आवर पेंटिंग टेक्निक्स। अपने पॉट पे मार्बल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर अपने डिजायर्ड कलर से बेस कोट दे दें। जो आपका पहला कोटिंग रहेगा उसे बहुत ही अच्छे से सूखने दें। लेकिन जब आप दूसरा कोटिंग करें तो उसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। मैं यहाँ ले रही हूँ ग्लास कलर और इसी के मदद से हमें मार्बल इफेक्ट क्रिएट करना है। बैकग्राउंड कलर सूखने के पहले ही हमें इस कलर को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे गिराना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि ये कलर खुद ब खुद फैलने लगा है। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ 2-3 कलर और यूज करूँगी। वैसे तो मार्बल टेक्निक पानी में नेल पेंट या फिर ऑयल पेंट गिराकर बनाया जाता है। मैंने दोनों वेज ट्राई किए हैं, बट आई फाउंड बोथ द टेक्निक्स टू बी वेरी मेसी। इसलिए ये प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फॉर्चुनेटली आई फाउंड इट टू बी मेस फ्री, क्लीन एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो डू ट्राई ऑल द 3 प्रोसेस ऑफ गेटिंग मार्बल इफेक्ट एंड डू लेट मी नो द जेन्युइन फीडबैक। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने पॉट्स पे इजीली होल कैसे कर सकते हैं। तो जो भी शार्प चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लो। तो मेरे पास इस तरीके का फाइलर और सीजर है। सबसे पहले आप अपने पॉट में थोड़ा सा पानी डाल लें। आप देखोगे कि पॉट बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्व कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद पॉट के सेंटर पे सीजर के हेल्प से स्क्रैच कर लें। तो बेसिकली आपको एक फोकल पॉइंट क्रिएट करना है और बिना प्रेशर के उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस स्क्रैच करते जाना है। 2 मिनट बाद आप देखोगे कि छोटा सा होल वहां ड्रिल हो चुका है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होल बढ़ा सकते हैं और इजिली इसे हैंग कर सकते हैं।
ये बहुत ही सिंपल और कॉमन मेथड है। मैंने यहाँ प्लास्टिक पॉट लिया है, आप चाहे तो क्ले पॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से बेस कोट कर दिया है। यू कैन इवन गो विथ सम अदर कलर्स ऑल्सो। अब मैं यहाँ सबसे पहले वाइट एक्रेलिक पेंट ड्रिप कर रही हूँ ताकि जो भी मैं नेक्स्ट कलर ड्रिप कराऊँ वो इजिली विजिबल हो। सो आई विल स्टार्ट ड्रिपिंग कलर्स फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द पॉट। यहाँ मैं पेंट ब्रश का यूज कर रही हूँ। इफ यू हैव ड्रॉपर देन आई थिंक दिस विल वर्क इवन मोर बेटर। दिखने में अच्छा लगे इसलिए थोड़ा गैप मैंने बीच बीच में रखा है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो भी पॉट का बेस कोट है दैट इज ब्लैक वो ज्यादातर दिखे। दोस्तों एक्रेलिक कलर्स बहुत ही जल्दी सूखने लगता है, इसलिए इस मेथड में कोशिश करें कि जो भी कलर आप नेक्स्ट अप्लाई करें वो वाइट के सूखने से पहले करें। नाउ दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द मैजिक ऑफ कलर मिक्सिंग। सो इफ योर किड्स आर अराउंड देन अलाउ देम टू एक्सप्लोर द एंड रिजल्ट ऑफ दिस आर्ट वर्क। दिस इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग एंड वेरी सूदिंग मेथड। अगर आप कभी भी बोर हो जाते हो या स्ट्रेस रिलीज करना हो तो सिंपली अपने गार्डन से कोई भी पॉट उठा के उसे इस तरीके का नया लुक दे सकते हैं। स्प्रे मेथड को दोस्तों आप दो तरीके से कर सकते हो। जो पहला मेथड है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है उसके लिए मैंने 3 छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स लिए हैं और इन सारे पॉट्स को मैं स्प्रे पेंट के मदद से कवर कर दूंगी। आप लोग यूजुअली मेरे से ये पूछते रहते हो कि मैं किस कंपनी का स्प्रे पेंट यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एज सच कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। जो भी इजीली अवेलेबल होता है वो मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर लेती हूँ। स्प्रे पेंट का जो पहला कोट देना है वो बहुत ही फाइन होना चाहिए और सूखने के बाद अब मैं दूंगी इसमें फाइनल कोट। बार जो टेक्निक अप्लाई करना है वो ऐसा है कि बहुत ही हल्के हाथों से नोजल को प्रेस करना है और सिर्फ हमें कलर से इसे शावर कराना है। आप चाहें तो कंट्रास्ट पे 2 या 3 कलर स्प्रे कर सकते हैं। इस मेथड में बेसिकली हमें एक ही कलर के 2 शेड्स लेने हैं। बॉटम पार्ट के लिए मैंने 4:1 के रेशियो में कलर लिया है, दैट इज 4 पार्ट ऑफ ग्रीन एंड 1 पार्ट ऑफ वाइट। और जो टॉप पार्ट है उसके लिए जस्ट हमें रिवर्स लेना है, दैट इज 4 पार्ट ऑफ वाइट एंड 1 पार्ट ऑफ ग्रीन। अब मैं यहाँ ले रही हूँ इस तरीके का डेकोरेटिव ग्लिटर। ये हार्डली आपको 10-15 रुपीस में किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाएगा। अब ग्लू के मदद से इसे पूरे सरफेस पे स्टिक कर दे एंड वंस यू हैव कवर्ड इट लेट इट ड्राई कंप्लीटली, देन गिव अ कोट ऑफ वार्निश टू ऐड एक्स्ट्रा शाइन टू दिस गॉर्जियस हैंडमेड पॉट्स। मड क्लॉथ मेथड इन्वॉल्व्स ट्रेडिशनल अफ्रीकन इंस्पायर्ड टेक्निक विच इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड सिंबल।
If you are good at shapes, then definitely you will enjoy making this planter. This is very simplified version of mandala art, which is super easy and can be made within no time. लेकिन अगर आप इसका full tutorial देखना चाहते हैं तो इस I button पे click कर सकते हैं. मैंने यहाँ plastic pot लिया है, जिसपे मैंने light pink acrylic background दिया है. After filling the patterns with different colors, highlight the borders with black acrylic paint. मिनी सर्कुलेंट पॉट्स को अगर फंकी लुक देना है देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई कोटिंग इट डाउन. मैं यहाँ एक्रेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपके पास परमानेंट मार्कर अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं. स्प्लैश मेथड के लिए मैंने इस तरीके के दो मटके लिए हैं, बट अगर आपके पास किसी भी साइज या शेप का टेराकोटा या प्लास्टिक का पॉट अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं. जो बड़ा मटका है उस पे मैंने ग्रीन का बैकग्राउंड दिया है. दो कलर मिक्स करके आप इजीली ये कलर डेवलप कर सकते हैं. दैट इज मैंने यहाँ यूज किया है 3 parts of white एंड 1 part of green. और ये जो कलर मैं छोटे मटके पे कर रही हूँ उसके लिए मैंने 4 parts of white एंड 1 part of red मिक्स किया है. जब कलर अच्छे से सूख जाए तो हमें लेना है ब्लैक एक्रेलिक कलर विथ जस्ट 1 drop of water. नाउ विद द हेल्प ऑफ एक्रेलिक फ्लैट ब्रश जस्ट स्प्लैश द कलर रैंडमली ऑन द सर्फेस ऑफ द मटका एंड कोट विथ वार्निश टू सी द इफेक्ट. So finally, here we come to an end with all our DIYs. आप अपने personality, decor और अपने requirement के according कौन सा painting method choose करोगे ये मुझे comment करके जरूर बताइएगा. If you are new to my channel, then do consider subscribing and hit the bell icon to get all my latest video notifications. फिर मिलूंगी नए video के साथ. Till then, take care and bye-bye.